पौधरोपण एवं जल संरक्षण अभियान के तहत उपमंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पाजू खुर्द में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम मनदीप कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल सुधार कमेटी ने किया व कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के मुख्य अध्यापक सतीश शर्मा ने की। कार्यक्रम में पहुँचने पर ग्रामीणों द्वारा एसडीएम मनदीप कुमार का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। पौधागिरी कार्यक्रम को शुरू करते हुए एसडीएम मनदीप कुमार ने बच्चों के साथ 60 पौधे रोपित किए, जिसमें छायादार, फलदार व औषधि युक्त पौधे शामिल थे। इस अवसर पर एसडीएम मनदीप कुमार ने पौधरोपण के उपरांत स्कूली बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा में पौधों के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। प्रोग्राम के बारे में बताएं। देखिए, आज सरकार के पौधागिरी कार्यक्रम के तहत आज पाजू खुर्द के स्कूल में पौधारोपण जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है, जिसके तहत स्कूल के हर बच्चे के द्वारा एक एक पेड़ा जो पेड़ है वो लगाया जाएगा। और जो स्कूल का स्टाफ है उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा था और उन्होंने अपने मेहनत से वो कार्य यहाँ कर रहे हैं और एक एक पौधारोपण जो है हर बच्चे के हाथों से वो करवा रहे हैं। तो इस सीज़न में हल्के में कितना प्लान है सर, कितने पौधे रोपने का प्लान है? कोई इस सीज़न में लगभग हम 50,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि लगभग 50,000 के करीब हमारे सुविधों में जो है पौधारोपण बच्चों के द्वारा किया जाए और इसके अलावा जो आमजन है वो भी अपने तरफ से वो पौधारोपण वो कर सकता है। अच्छा सर, जल संरक्षण का वो मुद्दा चला हुआ आजकल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जल संरक्षण में हमारी सभी की भागीदारी होनी चाहिए और हम जहाँ भी हमें मौका मिले वो जल का जो है बचाव करना चाहिए। इसके माध्यम से हमारी सरकार और पूरा प्रशासन तन मन से लगा हुआ है, जिसके लिए हमारे सीओ जिला परिषद हैं, वो नोडल ऑफिसर हैं और पूरा अच्छी तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद में ये कार्यक्रम चल रहा है। अर्थ प्रकाश के लिए सफीदों से अभिषेक दीवान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।